बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी डिशेस। मैं अफशा नजीर आज आपके लिए अपने किचन में लेके आई हूँ जर्दा चावल। ये कैसे बनते हैं और बहुत ही आसान है और बहुत ही मजे के बनते हैं, और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। लेकिन उससे पहले, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इससे मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आज हमारे किचन में बन रहा है जर्दा चावल, और उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। चावल लिया मैंने तकरीबन, ये 1 किलो चावल है। चावलों को मैंने साफ करके अच्छे से धो लिया है, और जितने चावल हों उससे थोड़ी कम क्वांटिटी में मैंने ये चीनी ली है। बादाम लिए हैं, इनको मैंने भिगो के रख लिया और छिलका उतार लिया है। 2 लौंगे लेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 3 सब्ज़ इलायची लेंगे, येलो कलर लेंगे। खुश्क मेवों में से मैं गरी ले रही हूँ, सौंगी, खजूरें, अगर आपके पास खजूरें नहीं है तो आप छुआरे भी डाल सकते हैं। ये गाजर का मुरब्बा है, ये सेब का मुरब्बा है, रेड कलर की अशरफियां, ग्रीन कलर की अशरफियां। 1 कप मैंने दूध लिया है, 1 कप मैंने देसी घी लिया है, केवड़ा एसन डाला है, ये केवड़ा एसन लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। तो पानी को उबाल आ रहे हैं, जर्दा कलर डालेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे हिला लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कलर पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। एक दफा हिला लेंगे। सब्ज़ इलायची 2 डाल दूंगी मैं इसके अंदर। चावलों का डाल देंगे, चावल पानी समेत ही डालेंगे, कम ना हो जाए। और तकरीबन चावल जो है हम 70 से 80% चावल जो हैं वो इसी में हम उबाल लेंगे। उबालने के बाद हम इसका पानी उतार लेंगे। एक दफा हिला लेते हैं, ढक्कन ऊपर रख देते हैं। आधे स्टेप पे ना हम ये केवड़ा एसन के ना चंद एक कतरे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के मुताबिक ना मैं केवड़ा एसन डालूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल तकरीबन हमारे ना 60% जो है वो गल गए, बस 5% 10% और हम इसको गला लेंगे, फिर हम इसका पानी उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना इसके अंदर, इसको अच्छे से उबाल आने देने और पकने देना है। चावल हमारे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अब मैं इनमें से पानी निकाल लूँगी। मैं तो ऐसी छलनी के साथ उतार लेती हूँ, बड़े ज़बरदस्त पानी इनमें से निकल जाता है। एक बाउल में डाल लेंगे। वही बर्तन लिया मैंने, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे। दो लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और सब्ज़ इलायची इसके अंदर डाल देंगे, और हल्के सा इसको ब्राउन कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं पकाना, दरदरी सी मैंने कुटी हुई है सब्ज़ इलायची। थोड़ा सा इसके अंदर दूध डालेंगे। मिक्स कर लेंगे, चीनी डाल देंगे। चीनी हमारी बड़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है, चाशनी भी पक गई है। अब इस स्टेप के ऊपर मैं जो दूध था वो डाल दूंगी, इससे चावल जो हैं हमारे वो चिपकेंगे नहीं, चीनी उनके ऊपर बड़े अच्छे से कोटिंग होगी दूध के साथ। अब चावल डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फ्लेम में जो है वो मीडियम कर दूंगी। बड़े नरम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करना है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे और मज़े के लग रहे हैं।
जो दूध डाला था, अब वो चावलों के अंदर चीनी और दूध मिक्स होकर सोक हो जाएंगे और बड़े ही मज़े के चावल बनेंगे। बादाम डाल देंगे, थोड़े से बादाम मैं गार्निश के लिए रख रही हूँ। सेब का मुरब्बा डाल देंगे, थोड़ा गाजर का मुरब्बा, ग्रीन अशरफियाँ, रेड थोड़ी सौंगी डालेंगे, गरी डाल देंगे, खजूर डाल देंगे। सारी चीज़ों में से मैंने कुछ बचा के रख ली हैं जो हम गार्निश की करने के लिए ऊपर डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आंच जो है वो मैंने मीडियम से लो फ्लेम कर दी है। थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी आपको भी नज़र आ रहा होगा। इस स्टेप पे हम इसको दम दे देते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको दम देते हैं, फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे चावल तैयार हो गए हैं। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। सेबू का मुरब्बा थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, गाजर, अशरफियाँ, थोड़े से कटे हुए बादाम वो डाल देंगे, खजूर डाल देंगे, थोड़ी सी गरी और जो बाकी मेवा जाते हैं वो भी डाल देंगे। माशाल्लाह हमारे चावल तैयार हो गए हैं। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे बहुत अच्छे और मज़े के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ, घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।